करेंगे। उसके बाद हमारे ढोलक में थाप देते हुए सुंदर भाव से मल्हार निवासी जो माता के आंगन से आए हैं, जो माता वहाँ पर विराजमान है, उस माता के दिव्य गोद से आए हुए हैं, उन्हीं के बालक हैं मित्र राकेश भाई जी, जो विभिन्न पंडितों के साथ जा करके सुंदर वादन करते हैं। उसके बाद आप लोगों के भतीजे होंगे हमारे भाजे श्री कमल पटेल जी, तो और हमारे कर्ण माध्यम से श्रवण करने की कथा जो है खपरी निवासी कमल साहू जी और स्तर से आए हुए उनके अभिन्न मित्र अभी जो बैठे हैं उनके स्थान में आनंद दिया जी जो आनंद दिला रहे हैं और उनके जितने भी प्रयाण करता तो आप जानते हैं हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं वीरेंद्र उपाध्याय जी और हमारा परिचय आप सब जानते हैं बोली मदन भेड़ाल की और हमारे भैया का भी परिचय है हमारे कथा से जुड़े हुए हैं जो कथा को दूर से दूर से जा रहे हैं क्योंकि कृष्ण कथा में अगर भगवान शिव ना आए भैया तो कथा संपूर्ण नहीं होती। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मददास तेना रे करहि कलह भरी वो नरक हो बास। कृष्ण की कथा में अगर भगवान शिव नहीं आए तो अगर सबसे पहले कृष्ण का जन्म हुआ उस दर्शन करने के लिए शिव ही पहले गए तो आज इसी प्रकार रायपुर छोड़ करके हमारे भोला भी आए हैं तो उनसे भोला का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते रहे भैया लाखों सब्सक्राइबर हो ब्राह्मणों को पेमेंट देने को ना पड़े आपका पेमेंट यूट्यूब वाले देते हैं अपने बोले राधे कृष्ण भगवान की बोले राधे और आप सबका स्वागत हम इस व्यास मंच से करते हैं आप सब की शुभकामना पूर्ण हो बोले वीरेंद्र भिलाल की तो महाभारत भी चाहिए कि घर में सब घर में महाभारत हो कि नहीं हो सब घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए महाभारत कैसे भी है बताओ आप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम उनके होता होना चाहिए कि नहीं गलत हो जाएगी तो महाभारत होना चाहिए लेकिन वो ग्रंथ को जानकारी के लिए होना चाहिए उस ग्रंथ की हमें जानकारी हो लेकिन वास्तविक होना चाहिए रामायण हमारे घर में रामायण हो चाहिए अगर जीवन हो तो रामायण हो चार भाई जैसे जिए उसी प्रकार हम चार भाई रहे माता पिता दशरथ और कौशल्या के समान हो पत्नियां कौशल्या उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति और सीता जैसी हो पुत्र हो तो लव उसके जैसे पुत्र हो रामायण हो लेकिन महाभारत भी घर में हो एक ग्रंथ हो जिसकी जानकारी हो वो महाभारत किस लिए हुआ हमारे घर में ना हो इसलिए हमारे जानकारी होना चाहिए महाभारत का तो आइए हम क्षमता के अनुसार महाभारत कथा रखते हैं आप सब साथ दीजिएगा तो महाभारत में जो है घटी वो हमारे घर में ना देखिए सौ कौरवों को आप सभी जानते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र थे और जिस राज्य का राजा अंधा हो जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा जिस राज्य का राजा अंधा है और देखिए समय की कुशलता देखिए राजा तो अंधा था गांधार की पुत्री गांधारी जिनका औलाद ही विश्व पितामह ने जो है अपने भतीजे के साथ विवाह कराया गांधारी का विवाह कराया गांधारी चाहती थी मैं शादी करूं संधे से लेकिन हो गया जब
जब राजा की पत्नी रानी बन गई, परमात्मा की कृपा से दुमाद भाव से देख सकते थे, तो उस रानी को पट्टी में बांधना, और जिस राज्य की राजा और रानी अंधे हो गए, कल्याण नहीं हो सकता। और प्रजा को पुत्र बघलाने बताया गया है, 100 पुत्र गौरव के हैं, तो प्रजा भी किसी राजा का पुत्र होता है। राजा अपने परिवार को बाद में पहले से प्रजा को महत्व देने की प्रजा कैसे उसने मुझे चयन किया है, चाहता किसी और को राजा बना सकता था। असीम कृपा ही प्रजा की जो मुझे इस जगह पर बिठाया है, आप लोगों ने मुझे बिठाया भैया, मुझमें योग्यता नहीं होगी, आप लोगों की कृपा से मैं बैठा अगर हम आपको महत्व छोड़ दे तो हमारे वंश की वृद्धि होते होना कम हो जाएगा, हमारा वंश वृद्धि। ही गलती एक समय की बात है, माता जी अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा गर्भ से थी, अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास, दुर्योधन का जंगा टिका हुआ था, जंगा तोड़ दिया हुआ था, दुर्योधन विलाप कर रहा था, हाय 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 करके पड़ा हुआ था, अश्वत्थामा आया दौड़ते हुए, मित्र अश्वत्थामा ने कहा मित्र आपकी ऐसी दशा हमारे रहते, दुर्योधन की भी दशा तो हमारी हो ही गई, मृत्यु आग क्यों नहीं रही, इतने दुख में पड़े हुए हैं, मृत्यु क्यों नहीं, अंतिम कोई इच्छा होगी हमें बताइए, शायद उसी इच्छा के कारण आपकी मृत्यु ना हो रही हो, कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि पांचों पांडव के सुर आज ही होने चाहिए, तब मैं सुकुशल भाव से मरना स्वीकार करूंगा। गया अश्वत्थामा वचन देकर के पांचों पांडव का सिर लाता हूँ, यही पर रहना मिलता है, गए दौड़ते हुए, सायंकाल का समय था, सायंकाल के समय में शिविर में जो है पांडव पांच सूर्य सोए हुए थे, कपड़े ओढ़ कर, कपड़ों को ढक के सोना ये शास्त्र मत नहीं है, कपड़े को पूरा ढक कर नहीं सोना चाहिए, हमारा शरीर ढके हुए जगह पर नहीं रह सकता, जैसे अभी आप कोरोना काल में आपको बांध कर चल रहे थे, आपको बांध कर चल रहे थे तो ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में हो रही थी, सच कहते हैं तो ढक कर सोना, इसमें आपका शरीर अनुकूल कम से कम सिर खुला हुआ रहना चाहिए। जब गए शिविर में सायंकाल का समय था, रात्रि की मेले में जाकर के धर्म युद्ध के अश्वत्थामा अपना खड़ग निकालते, पांचों पांडवों के पुत्र के गले को काट दौड़ते हुए आए पकड़, दुर्योधन के समक्ष जब आए भक्तों, दुर्योधन ने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, बड़ी खुशी हुई कि मेरा मित्र जो है माता निभा, दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र किसको आपने मार कर लाया, किसको सिर को लेकर आया, तो है ये आज पांडव नहीं हो सकते भाई, चार पांडव के सिर तो मेरे हाथों से दब जाते हैं, लेकिन भीम का सिर दबने वाला मैं भीम का सिर नहीं दबा सकता, पूरे पूरा वंश खत्म कर दिया, एक क्षण में दुख और एक क्षण में सुख की प्राप्ति हुई, और ये विलाप करते हुए वहीं पर प्राण तज दिया, इनको श्राप दिया गया ये सुख और दुख के मध्य जो है इसकी मृत्यु होगी, और हमारी मृत्यु भी इसी सुख और दुख के बीच होती है। जगे सर्वे से सुखी ऐसा कौन आहे, एक यहाँ पर आती महाराष्ट्रीय भाषा में एक संत ने तुकाराम जी ने
भक्त मान में तुकाराम जी की कथा आती है। उन्होंने कहा कि जगे सर्वे सुखी असा हो रहा है, पूजा माना सुधानी पाए करके अपने मन में देखिए आप ही सही सुख है। यहाँ बैठे हैं गर्मी में तो आप गर्मी का दुख, बरसात है तो बरसात के लिए खबर है, बरसात बड़ा दुख है, गर्मी आए तो और ठंडी आई तो ठंडी में दुख। आपको मतलब दिन रात दुख आपको पकड़ा हुआ है, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और कहते हैं भाई सुख मस्ती विरक्त से, हम कभी सुख से नहीं रह सकते भैया। ये हमारा कहीं ना कहीं हम अपने इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, तो दुर्योधन में ही है, वरना युधिष्ठिर बन जाइए। आप जितना है आपके पास, आप सुख मस्ती विरक्तस्य, उसी में आप संतोष रखिए, उसी में सुख है। कूलर नहीं है तो भी सुख है, कोई दिक्कत नहीं। करोड़पति है, करोड़पति है, शुगर हो गया भैया, फ्रिज में आपके खटा खटा हुआ मिठाई जो है, लेकिन एक टुकड़ा आपका काम का बताइए। बिना सुख भरे पड़े हैं, तो चार सुख बताए गए। प्रथम सुख निरोगी काय, प्रथम अगर सुख यही है सबसे बड़ा सुख कि आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ रहे हैं, वयोवृद्ध है, जवान है, अगर आप स्वस्थ है कोई रोग नहीं आपके शरीर में, ये भगवत की असीम कृपा है, भगवान की आप स्वस्थ है, बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, खा लेते हैं, पी जाते हैं, कोई बच जाता है, कोई गैस नहीं खाते, सब अच्छा है। बोलिए राधे। अब ये निरोगी काया, दूसरा सुख संपूर्ण माया। अगर आपके पास संपूर्ण माया है, भौतिक सुख है, गाड़ी है, जो आप चाहते हैं, रुपए पैसे सब अगर आपके पास है, ये दूसरा सुख। तीसरा सुख पतिव्रता ना, अगर आपकी पत्नी जो है पतिव्रता है, आपकी पत्नी अगर पतिव्रता है, आपकी बातों को मानने वाली है, आपके चरणों की सेवा करने वाली है, तो इससे बड़ा सुख नहीं है। और चौथा सुख हो सुभाग्यकारी, अगर आपका बेटा या पुत्र जो आज्ञाकारी है, आपकी बातों को मानने वाला है, तो इससे बढ़कर सुख संसार में नहीं है। चार ही सुख संसार में, मतलब आप अपने आप को देखते जाइएगा, अगर निरोग है अच्छा है, सबसे बड़ा सुख है। दूसरा सुख संपूर्ण माया है, रुपए पैसे धन संपत्ति है आपके पास, भगवत कृपा है। तीसरा सुख आपके पास नारी है, महान कृपा भगवान की। और चौथा सुख अगर आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके मानने वाला है, भगवत कृपा है। और चारों सुख आपके पास है, तो पांचवा सुख तो है ही नहीं, पांचवा सुख है ही नहीं जिसकी आप कामना करते हैं। अगर आप गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल जमीन जायदाद में आप सुख चाहते हैं, तो यहाँ सुख नहीं मिलता भैया। सुख तो मात्र इन चार चीजों में है। और अगर आनंद चाहते हैं, मिलते हैं बोली राधे, आनंद यहाँ मिलेगा। दुर्योधन की चाहत में अपनी मृत्यु को बुलाया, मृत्यु प्राप्ति हुई जब भगवान शिविर आए, कृष्ण जो है लेकर के पांडवों को भैया, क्योंकि मंदिर ले गए थे। इसमें सबसे बड़े योद्धा कौन है जानते हैं आप? सबसे बड़े योद्धा है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है सबको लड़ा दिया भैया, पांडवों को भी लड़ाए, कौरवों को भी लड़ाए, और स्वयं जो है बीच बच कर रह गए। पीछे होता है जिसको चुगल खोर कहते हैं, कई बार गाँव में इधर भी चलता है, एक कन्हैया भी कम नहीं है, कन्हैया इधर भी और उधर भी। जब विराट लोग आए भैया, तो इस बात को उन्हें स्वीकार की, विराट लोग ने इस बात को स्वीकार की, कालो असुर लोग हो लोकाना समा हर कुंडी प्रवीत, अर्जुन से कहा कालो असमी, ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, करता करता जो है कभी कर नहीं सकता, हरी करे सब होए, भगवान सब होता है। तो कालो असमी लोग प्रवीत हो, अगर जीवन किसी को मिलता है तो मेरी कृपा है। जब भगवान ने विराट को दिया ग्यारहवें अध्याय में, तो महाभारत में कहा भीष्म पर्व में कि मैं जीवन देता हूँ और मरण भी मैं ही, मरण भी मैं ही देता हूँ, सुख मैं देता हूँ और दुख भी मैं ही, जस मैं देता हूँ और अपजस भी मैं ही देता हूँ। छह चीजें मैं करता हूँ, और उसी छह चीजों को वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं, सुन भरत प्रबल, नाथ
पानी लाभ जीवन मरण जस्ट अब जस्ट बिली हाथ सियावर रामचंद्र की पूरी राधे। तो गीता में कहा कारो उसमें लोग से यहाँ वसु जी ने कहा ये छह चीज यहाँ पर साबित हो गई कि वास्तव में छह चीज भगवान ही करते हैं। पांडवों के बच्चों को मरवाने वाले भी कृष्ण, कैसे मंदिर ले गए थे कृष्ण, चलो पांडव जी तुम लोग को युद्ध जीत गए, दुर्योधन ही मारा गया, चलो चलते मंदिर देखने के लिए। पांच बेचारे पूरे हैं, धृष्टद्युम्न था जो द्रोणाचार्य जी गले को काट दिए थे, वो धृष्टद्युम्न जो है वहीं पर खड़ा हुआ था। 18 अक्षर हुई सेना में जो बचे हुए वहीं पर शिविर में थे, बचे हुए अक्षर हुई सेनाओं को उसके पश्चात धृष्टद्युम्न को और पांच निर्दोष बालकों को मारने पर कोई और भी अश्वत्थामा ही अर्जुन ने देखा उसका हृदय श्रृंगार भूता कहा भगवान मैं आज अश्वत्थामा को छोड़ने वाला मैं अश्वत्थामा को छोड़ने वाला नहीं। गया अश्वत्थामा केस पकड़ करके द्रौपदी के कहा कि द्रौपदी बस बोल इसको मृत्यु दंड मिलेगा। सबसे बड़ा दुख अगर किसी को मिला है वो तुमको मिला है, क्योंकि तू एक माँ है और जितना दुख पुत्र के मरण पर एक माँ को होता है उतना पिता को भी नहीं होता। देखिए दुख की तो कोई बात नहीं माता जी, सीमा किसी की हम लानेंगे नहीं, पिता को भी दुख होगा लेकिन इतना दुख नहीं जितना एक माँ को होगा। क्योंकि आप देखेंगे भैया भी अभी कोरोना काल में कई जगह भागवत किए हम लोग तो घर से नाचते झूमते थे, एक कार्यक्रम भैया को नहीं दे पाए बता रहे हैं अपने परिवार में कथा थी तो वहाँ पर सब झूमते थे भैया लेकिन माँ को देखते तो महाराज मैं देख नहीं सकती महाराज जी मैं यहाँ चले जाऊंगी। तो भाई हम उसको उसकी वेदना को समझते थे कि वास्तव में यहाँ सब राज कूद रहे हैं उनके परिवार, लेकिन उसको भूल गए जिसे गाड़ी कथा हो। तो वास्तव में भैया समझ पाना हमारे बस की बात कहा कि द्रौपदी अगर तू एक बार कम कर दूं इसका, द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल मानना नहीं है भगवान ये गुरु पुत्र है गुरु का होता है हमारे गुरु गुरु द्रोणाचार्य महाराज और गुरु के पुत्र है अश्वत्थामा जो हमारे गुरु तुल्य है। ये मार दिए तो मार दिए, गौ मार दे तो मार ले, गौ को मारना छोड़ दीजिए। भगवान हृदय से कहा सा हृदय मणि हार में धन्य भीष्म में बात आती है कि हार मणि लगा हुआ उसके मस्तक में जन्म जात एक काम कर अपमान कर इसका ब्राह्मण का अपमान करना करना मृत्यु तुल्य है। अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिए समझ लीजिए ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग गया। इसलिए ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, साधुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का अपमान करना इस बॉडी से मत बोलिए। बात तो छोड़िए वाणी से कर्म से आप बोलिए बोलिए राधे मणि को निकाले और जैसे मणि को निकाले रक्त रंजित हुए भागे वहां से दर्द से लड़ाते हुए क्रोध में आ गए ब्रह्मास्त्र जब साधे माता जी और जब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ उत्तरा इतनी अब हमारा सहारा कोई संसार दिखता इतनी वेदना हुई माता जी इसको आप लोग समझ सकते हैं कि पांच हजार सौ की पीड़ा तो उतरा सीखी कहा कि प्रभु ये हाथ पकड़ लो प्रभु अगर आप हाथ पकड़ लेंगे भगवान तो आज मैं बच जाऊंगा संसार सागर से। अगर आज अगर आप हमें हमारा हाथ पकड़े तो सच कहती हम डूब जाएंगे। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग भी अपना हाथ उस भगवान बिहारी के हाथ में पकड़ाइए। मेले में जाते भैया बच्चा हमारा हाथ पकड़ता हम बच्चों के हाथ पकड़ते
माता-पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़े हैं तो बच्चा घूमेगा नहीं। अगर बच्चा ही पकड़े माता-पिता का हाथ तो कब घूमेगा पता? इसलिए हम भी बच्चे हैं, हमारे परम पिता उनसे कहिए कि हमारा हाथ पकड़ लीजिए भगवान, आज हम बहुत दुख में हैं और वास्तव में माता जी आप लोगों को जो सुख दिख रहा है अपितु आप सुख से नहीं हैं, कुछ न कुछ आप सबको दुख है, कुछ न दुख दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई अपना दुख बताता नहीं, कोई तन से दुख है बताता नहीं, कोई मन से दुखी है बताता नहीं, कई लोग थोड़े दुख बताते रहते हैं, कहां गए रे भैया, कहा दुख में बता देगा, वो दुख ही बताते रहते हैं, कोई दाई पूछे ना कहां गए दाई, बहुत दिन देखे कहा दुख, तो भाई यहां पे सब लोग बताने वाले हैं, और जब देखो तब इतना इतना दुख बतावे, कोई सुख बताता कोई सुख नहीं बताता, तो आइए हमें भी दुख होगा माता जी, अगर आपको वास्तव में हृदय से दुख है आज अपने हाथों को हाथों में पकड़ाइए, आज समय है, कल समय मिलने वाला नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा, तब दूसरा जो है फिर पुकार करते कि भगवान पकड़ लीजिए, अगर आप हमें हमारी कलाई पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए तो परिवारी हम इस संसार से दर जाएंगे, हमारे परिवार की रक्षा हो जाएगी, तो सौंप दीजिए इस जीवन का सवाल तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारी हाथों में और हमारी हाथों में, तो आइए हम सब मिलकर हाथों में हाथ सौंपते हैं, राधे राधे कृष्ण भगवान की जय जय श्री। पकड़ लो हाथ अपने भाई, नहीं तो डूब जाए, हमारे सर पे भारी, हमारे सर
जन्म हुआ बता रहे हैं जब उनका माता जी तो
जिनका जन्म से पहले जिन्होंने भगवान का साक्षात कर लिया हो उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा बताओ। 7 दिन तो भैया मात्र हमारे लिए बताए गए, सोम से लेकर के रवि तक ये हमारे लिए दिन गिने गए हैं, परीक्षित के लिए नहीं। अब तो परीक्षित की मुक्ति तो उसी क्षण हो गई थी जिस क्षण भगवान ने उनके घर में प्रवेश करके उनकी रक्षा की थी। हमारे परीक्षित जी महाराज उनके अंदर जब प्रवेश किए उत्तरा के गर्भ में दर्शन करते हैं। देखिए आप और हम जब गर्भ में थे तो माता को दुख हमें था। आप लोगों ने एक वचन दिए भगवान को, प्रभु मुझे संसार सागर में जल्दी निकालिए, मैं बाहर आना चाहता हूँ। 84 नरक में एक मुल्क माता गर्भ को भी कहा जिसमें टेढ़े भाव से एक बच्चा पड़ा हुआ रहता है गर्भ में, एक पिंडली का इस गर्भ में पड़ा हुआ है। पिंडलाकार पड़ा हुआ है, प्राय कक्ष में पड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ जीव मलमूत्र में पड़ा हुआ है। आप खारे मीठे तीखे जितने भी खाने उसको पचा रहा है बेचारा, जो है क्या सुख होगा बताइए। पराधीन सपने सुख ना ही ऊपर आधीन है बताइए, कोई उसमें भाव नहीं। वो भगवान से वचन दिया, आप लोगों ने वचन दिए है प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका यजन करूंगा, जहां जहां कथा होगी मैं वहां जाऊंगा। लेकिन वास्तव में ये सब चीजें होती हैं। बूढ़े लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग, अब तो हमारे कथा सुने एक दिन आएगा, भजन करे एक दिन आगे करके जाना तो करे करा हुआ है, अब बाकी बाकी मन के उतेल करे एक दिन है भी बता बता बाकी का बाकी बच्चों का। तो भाई वो बच्चों का भी यहाँ ना यहाँ आना चाहिए, बच्चों को भी लाइए साथ में। जिस भाव से उस पर हम सिंचन करेंगे जल का, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उस जगह का प्रभाव पड़ेगा। बच्चा यहाँ आवेगा, बचपन से यहाँ जुड़ता जाएगा, वृक्ष बनेगा, सुंदर भाव से वो छाया देगा। तो बच्चों को भी जोड़िए, मात्र बुजुर्ग क्यों, जाना तो सबको है ना भाई उनके पास। और आज तो कलयुग में भैया किसी का टाइम बराबर नहीं चल रहा। पहले सतयुग द्वापर त्रेता में जो पहले आते थे पहले जाते थे, जो पहले आते थे पहले जाते थे, आज जो बाद में आया पहले चला जाता है। आज का टाइम बड़ा खराब, पहले पिता को पुत्र कांधा देता था, आज पुत्र को पिता कांधा। ये ऐसा दुर्दशा का समय बताइए। माता पिता जीवित, दादा 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 दादे जीवित है, नाती का पता पता नहीं, नाती को पानी दे रहे हैं। तो ये ऐसे दुर्दशा का समय है, अगर आज नहीं संभले हम नहीं संभल पाए तो सच कहते हैं भैया हमें दोबारा मौका मिलने वाला, ये एक मौका है। तो परीक्षित जी महाराज के स्थान में हमें अपने आप को रखना है। उत्तरा महारानी जो है उनका दुख दूर हुआ, भगवान सबके दुख को दूर करते हैं, सच कहते हैं। और एक बात आप लोग कान खोल के सुनिएगा, किसी को दुख नहीं बताना है, किसी को दुख बताना मोला इसे लगते ऐसे ऐसे बीमारी है ऐसा दुख, किसी को बताइए। एक वैद्य को बताइए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, एक वैद्य को बताइए, यहाँ वैद्य को बस बताइए। अगर डॉक्टर के पास गए हैं सही जानकारी आप नहीं देंगे तो वो सही इलाज नहीं कर पाएगा। तो एक डॉक्टर के पास और एक भगवान के पास कभी छुपाइए मत, भगवान को बताइए। और जनता को बताएंगे ना माता जी तो जनता पीठ पाछे हंसने वाले हैं, बढ़िया है मरे गलत कर रहा था, अच्छा लगा दिन से वक्त का दिन में, अब मरा थे पीठ पाछे ही बोलेंगे भैया सोच के देख लीजिए। दाई मतलब पूछ दे मेरा कहाँ गए दाई, अकबर दिन में देखे कहा दुख ल बताओ, मैं अपन बहुक मारे मैं मरा था हरियर सूझे दाई, मैं जब लोग बहू आए आए बहू निकाला थे लहू, मैं घूमा था कहूँ कहूँ तो हरियर सूझे दाई, मैं अपन दुख ल मैं काला बताओ। अब ते उधर निकल भरो जो गले तो परोसिन काहे कही बने थे बने छाट के बहू लाए हैं, अच्छा गाओ आओ उधर देते जाऊं कस के तो पखौरा ला मर बहुत तपेत हूँ। तो भाई ऐसे पड़ोसी का एक भाव होता है बताइए। अगर आप लोग कहेंगे ना बाबूजी कुछ बातें पड़ोसियों के समक्ष भी, अब चौपाल वौपाल बैठे तो कहा बताओगा, मैं लोगे के लिए मारे माता माता बने हैं तो हूँ तपे हस, अब तो लेकर ही तप ही। तो भाई पीठ पाछे चालन के बीच में लोग हंसते बस हैं, उससे अच्छा किसी को बताओ, भगवान को बताओ कि भगवान
आप ही हमारे हैं, अगर आप सुन लिए तो बेटा तो उत्तरा का जैसे कल्याण की वैसे हमारा भी कल्याण भगवान करेंगे। बोली राधे 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 कहो चकाचक रहो। तो ऐसे हमारे जो भगवान हैं वो रक्षा करते हैं सबकी। तो वचन दिए भैया पारण करना होगा, पालन कीजिए। माता जी समय निकालिए, जो माता हैं भक्तगण हैं बिल्कुल समय निकालिए, कथा में आइएगा जरूर। कैसे भी हो, अच्छी लगे चाहे अच्छी ना लगे, दवाई कभी कभी कड़वी होती है भैया, आंख मूंद कर पी लीजिए, अच्छी नहीं लग रही तो भी पीजिए, वो आपके सेहत को अच्छी करेगी, आपके शरीर के लिए अच्छी ही रहेगी। वो कड़वी क्यों ना हो, अच्छी लगे पसंद हो या ना पसंद हो, उसको पीते जाइए आप, वो आपके शरीर सेहत के लिए अच्छी रहेगी। बोली राधे बोले जय श्री राम। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो शौनक आदि मुनियों, उत्तरा का दुख दूर किया भगवान ने। एक समय की बात है कि व्यास नारायण जी महाराज की उत्पत्ति जो हुई, जिन्होंने महाभारत रचा, वो कैसे इस संसार पर आए, तो बहुत पहले की बात है। पराशर जी महाराज जो है एक बार गंगा के निकट आए, माता सत्यवती जो है जिसका नाम था मत्स्यगंधा, दुमस्य के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, उसके समक्ष आए, कहा कि ओ कन्या मुझे गंगा पार करा दे। गंगा पार कराने के लिए मत्स्यगंधा को जब कहा तो देखिए माता जी उनके शरीर से जो है, जैसे मछली के को कितना भी आप धो लीजिए भैया, उनसे एक स्मेल आती है, सुगंधी आती है, उसी प्रकार मत्स्यगंधा के शरीर से मत्स्य की मछली की सुगंध। अब उसको दुर्गंध कहें कि सुगंध कहें, खाने वाले सुगंध कहते हैं और नहीं खाने वाले दुर्गंध कहते हैं। पराशर जी ने कहा कैसी दुर्गंध आती है कन्या, कहा कि हम मछली के गर्भ से जन्म ली है, भ्राता भी हमारा। तो जब उनके नयन कटाक्ष को देखे तो पराशर जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए, कहा कि आप अगर हमारे साथ संसर्ग स्थापित करेंगी तो सत्य कहते हैं सत्यवती कि आपके गर्भ से संसार कल्याणकारक पुत्र की उत्पत्ति होगा, जिसका नाम होगा विष्णु द्वैपायन, उसका विष्णु द्वैपायन नाम होगा। कहा कि हम तो भी कौमारी अवस्था में हैं महाराज जी, और आप एक ब्राह्मण होकर के हम पर कुदृष्टि डाल रहे हैं, हमारा कौमारित्व तो भंग न होगा। कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं कि आपका कौमारित्व भंग होने वाला नहीं है, और जितने ब्राह्मण हैं ब्राह्मण है सब आपको आपके नाम ले लेकर के दो पैसे देते हैं, आपके नाम लेकर